निजीकरण की मार से बचने के लिए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निर्देश पर महानगर में लगातार विद्युत चोरी के खिलाफ विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मॉर्निंग वॉक के दौरान विद्युत वितरण निगम नगरीय के अधिशासी अभियंता इंजीनियर यदुनाथ राम के नेतृत्व में दुर्गा बाड़ी फीडर से संचालित तिवारीपुर के जफर कॉलोनी में विजिलेंस की टीम के साथ मॉर्निंग रेड किया गया, जिसके संबंध में बक्सीपुर के अधिशासी अभियंता इंजीनियर यदुनाथ राम ने बताया कि रेड के दौरान कटिया कनेक्शन से बिजली जलाते हुए पाया गया। बुधवार को सुबह चेकिंग के दौरान 75 कनेक्शन में से 13 कनेक्शन में विद्युत चोरी पाई गई, जिनके खिलाफ विद्युत चोरी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त 18 बकायादारों के लाइन विच्छेदित किया गया है। स्मार्ट मीटर के कुल 206 बकायादारों का रिमोट द्वारा बकाए पर विद्युत विच्छेदित किया गया, 86 नॉन स्मार्ट मीटर के बकायादार उपभोक्ताओं के विद्युत विच्छेदित किया गया तथा 84.36 लाख रुपए की राजस्व की वसूली की गई। अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने उपभोक्ताओं से अपील की कि मीटर के साथ किसी के बहकावे में आकर विद्युत बिल कम आने के लालच में विद्युत मीटर के साथ की गई छेड़छाड़ के लिखित रूप से स्वतः घोषणा अधिशासी अभियंता कार्यालय में कर सकते हैं। ऐसा करने से उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत चोरी की FIR विद्युत विभाग द्वारा दर्ज नहीं कराई जाएगी और इस कार्रवाई को सार्वजनिक भी नहीं किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्युत वितरण नगरीय के अधिशासी अभियंता यदुनाथ राम ने कहा, बाड़ी बाग से ये खुला हुआ है, देखा है ना, कल सिल्वर दिखा रहे हैं आपको, अच्छा सिल्वर दिखा रहे हैं, ये देखिए स्लो कर दिया गया है, 15 साल में सिर्फ 87 ये पूरा फोटो आएगा पूरा, उतना लाइव कट है देखिए, ये साहब आ जाइए, अरे वो तो फालिस घटक क्वालिटी में हाँ हाँ क्या ले दो अकाउंट नंबर का कितना वो वाला 96 1 लाख वाले बकाए का मोबाइल नंबर 96 ये प्रतिरोधक लगा के मीटर को स्लो कर दिया, ऐसा नहीं रुके रुके हम बता रहे हैं, इधर देखिए रीडिंग लिखा देखिए हम लोग जो है जो हम लोग के हाई लास्ट फीडर हैं जिनका ATC लास्ट से 40% 45% है, उन पर हम लोग काम भी कर दिया अभियान चला रहे हैं। इसी अभियान के तहत जो है आज दुर्गावाड़ी फीडर के शाह जो है जफर शाह कॉलोनी में हम लोगों ने जो है मॉर्निंग रेड किया, सुबह से ही रेड किया, तो इस रेड के दौरान जो है लोगों के मीटर चेक किए गए और जो है सरप्राइज चेकिंग की गई, तो सुबह के समय तो कई कनेक्शन जो है सीधे कटिया लगा करके जुड़े हुए भी पाए गए, तो करीब जो है 75 कनेक्शन चेक किए गए, 75 कनेक्शन में 13 कनेक्शन में जो है चोरी विद्युत चोरी पाई गई, 13 में से जो है 11 लोग तो मीटर में शंट लगाकर चोरी कर रहे थे, 2 लोग जो है कनेक्शन होने के बावजूद जो है अलग से एक कटिया डाल करके चोरी कर रहे थे, तो सभी लोगों के विरुद्ध जो है भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत जो है विद्युत चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। लगातार अभियान चला, पब्लिक भी देख रही है विद्युत चोरी हो गया, FIR भी दर्ज हो रहा है, इसके बावजूद लोग इस तरह तरह धंधे में जुड़े हुए हैं, एक तरह धंधा ही मान लीजिए इसको लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे लोग खिलाफ और कड़ी कार्रवाई कुछ होनी चाहिए या जो भी इस तरह कर रहे हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल, पहले तो हम लोग सबको जो है अपील कर रहे हैं कि अगर किसी ने अपने मीटर में कोई संट लगवा रखा है
है या जानबूझ करके लालच में आकर के किसी के बहकावे में वो उसकी घोषणा कर दे, तो उससे हम लोग असेसमेंट उसका जो है केवल 3 महीने का बना करके उसे जमा करा लेंगे, उसका नाम भी गुप्त रखेंगे और कोई FIR नहीं दर्ज करेंगे। लेकिन इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस अभी तक नहीं आया है, तो इसलिए हम लोगों को ये अभियान चलाना पड़ रहा है और अब ये अभियान में और भी सख्ती लाई जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि हम जो है लाइन हानियाँ जो है कम करेंगे और जो है ये राजस्व वसूली बढ़ाएंगे। ETC हानियाँ जो है अभी 40-45% चल रही है, उसको 15% के नीचे लाएंगे। उसके लिए हम लोगों को जो है ये मॉर्निंग रेड नाइट लेट नाइट रेड करना ये पड़ेगा जो है, वो हम लोग करेंगे जिससे कि विद्युत चोरी जो है पर रोक लग सके और राजस्व वसूली बढ़ सके। हाँ, आज अच्छी वसूली भी हुई है, आज जो है रेट का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, 46 लाख रुपए की आज वसूली हुई है। तो ये जो अभियान चल रहा है इसका जो है असर पड़ रहा है लोगों में और डिस्कनेक्शन भी काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तो उससे भी राजस्व वसूली हो रही है। और अब धीरे धीरे करके लोगों के जो हम लोगों का अपील का भी प्रभाव पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि हम लोग अपने अभियान में सफल होंगे और जो लाइन हानियाँ हैं वो कम कर सकेंगे। सर, कुछ ऐसे बिल होते हैं जो नहीं जमा होते हैं, कुछ त्रुटि रहती है उसमें और उपभोक्ता वहाँ तक नहीं जाना चाहते हैं, जो बिल त्रुटि वाले बने हुए हैं पहले से बने हुए या नए बने, इनके लिए भी कैंप में कोई सुविधा है? देखिए, इसके लिए जो है विभाग ने जो है कैंप 2 दिन शनिवार और रविवार को, प्रथम शनिवार और रविवार और तृतीय शनिवार और रविवार को महाकैंप का आयोजन किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को उसमें जो है अपील की जा रही है को आएँ, वहाँ पर हमारे बिलिंग क्लर्क रहते हैं और अभियंता रहते हैं, SDO रहते हैं, हम खुद रहते हैं और जितने भी एप्लीकेशन आती है हम लोग कोशिश करते हैं कि तत्काल उनकी रीडिंग मंगा करके मौके से जो है उनका साइट सत्यापन करके उनका बिल सही कर दिया जाए, और हम लोग स्वतः संज्ञान लेकर के बिलों को संशोधित कर रहे हैं।